नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लातूर शहर में सभी समाज के लोगों की ओर से एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ दिनों पहले झारखंड राज्य के तबरेज अंसारी मुस्लिम युवक को कुछ बदमाशों ने जय श्री राम और जय हनुमान की घोषणा करने के लिए मजबूर करते हुए पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह भारत देश में धर्म के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, जिसमें अब तक अखलाक पहलू खान, जुनेद शेख, महाराष्ट्र के मोहसिन शेख और अब झारखंड के तबरेज अंसारी इसी तरह से हत्या किए गए। इस तरह की घटनाओं से समाज में भय पैदा हो रहा है, जबकि कुछ असामाजिक तत्व धार्मिक को नष्ट करके देश के पर्यावरण को अस्थिर कर रहे हैं। मुसलमानों को धर्म के नाम पर और उनकी सुरक्षा के मुस्लिमों की हत्या को रोकने के लिए अट्रोसिटी अधिनियम लाना चाहिए। तबरेज अंसारी के हत्यारे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार को देश के किसी भी राज्य में मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्य को नगद रकम और सरकारी नौकरियों में शामिल करना चाहिए और मॉब लिंचिंग के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज लातूर शहर के गांधी चौक में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और अन्य समाज के लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन करते हुए घटना की और शासन के कड़े शब्दों में निंदा की। हम कोई कमजोर नहीं है, हम चूड़ियां पहनकर नहीं बनते, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम इस मुल्क के अमन चाहते हैं, इस मुल्क के शांति को चाहते हैं। अगर कोई किसी मुसलमान भाई के साथ, किसी मुसलमान बहन के साथ जुल्म करता है और हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी, इंशाल्लाह हम मैदान में उतरेंगे। और मांगों का ज्ञापन लातूर तहसीलदार द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया। झारखंड राज्य के अंदर जो तबरेज अंसारी का कत्ल हुआ है, उसमें बल्कि झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को और मुस्लिम समाज को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। एक निहत्ता आदमी भी गुनाहगार चुप उसको शक के बिना के ऊपर जो है सो ले जाकर बांध के इस तरीके से मारना या कत्ल करना यानी एक आदमी का कत्ल बोले तो पूरे इंसानियत का कत्ल है। और इस वजह से किसी बेगुनाह को मारना और सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को देखकर ही टारगेट पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे हो रहा है। जैसे पहलू खान का वाकया है, जैसा तुम्हारा अखलाक दादरी का वाकया हुआ। तो हमेशा पिछली मरकजी सरकार 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की आई है, लगातार 2014 से अल्पसंख्यक के ऊपर कहीं ना कहीं जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि हमें सरकार को दिखाना चाहिए कि भाई अल्पसंख्यक के ऊपर क्यों अत्याचार और किस लिए ये जुल्म, जबकि 2019 में उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने वादा किए पार्लियामेंट के अंदर कि भाई कुछ पहले की सरकारों ने अल्पसंख्यक लोगों का छड़ किया है और छेद किया है, उनके लिए उनके छल किया है और हम आने वाले 2022 तक कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के लिए हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। ये होके दो तीन दिन भी नहीं हुआ गुजरा, उसके बाद जो है सो लगातार घटनाएँ शुरू हो गई। ये दर्दनाक है, इंसानियत का कत्ल है ये। और इसके अंदर तमाम हमीज नहीं लातूर वाले ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसका निषेध हो रहा है कि गलत है, कि इंसानियत के खिलाफ है। हमारे हिंदुस्तान को के जो गंगा जमुना तहजीब है, इसको कहीं तो भी गालबोट लगने का काम जो है तो ये हो रहा है और ये गलत है। तो हम इसका निषेध करते हैं और लोकशाही मार्ग से हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे और जो दोषी हैं उसके अंदर उनको किस तरीके से सज़ा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी लातूर शहर के बल्कि नहीं हिंदुस्तान से पूरी आवाज़ें उठ रहे हैं और तमाम इसके साथ ही साथ हम ही मुस्लिम ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदू भाई भी इसके अंदर जो है सो शामिल होकर के हमारा साथ बरोबर दे रहे, क्यों तो इंसानियत को बाकी रखना है, जमहूरियत को बाकी रखना है, हमारे मुल्क के संविधान को बाकी रखना है। किसी भी तरीके इसका हमारे आज जो खास हमारे जो इसके अंदर इस मोर्चे में शामिल हुए इन लोगों का भी ये कहना है कि हमें लोकशाही मार्ग से आंदोलन करना है, न कि हमें कानून हाथ में लेना है। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को हम जो है सो पूरा ये जो है इसके ऊपर बर्डन डालते हुए जो लोग इसके अंदर दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा हो, बस ऐसी हमारी। देश के पंत्र प्रधान जिस तरीके कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है इसके बारे में? अभी क्या, वो तो अल्फाज है, जुमला है। देश का जो है तो किसके साथ जो है किसका विकास हुआ,
जो इनकी मरकज में हुकूमत आई जब से अल्पसंख्यक के ऊपर, ऐसा कौन से उनके लिए प्रोग्राम सब बनाए हैं, क्या मुसलमानों के लिए कौन सा ऐसा निवेदन जो है सो किया है जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। 2014 से लगातार, वैसे भी हिंदुस्तान 1947 से लेकर आज तक के मुसलमानों ने अपनी बलबूते पे मेहनत के ऊपर ही आज तक के चलते आए हुए हैं हुकूमत का, तो आज तक भी इंशाल्लाह ताला आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से और इन्हें भी समझ में आ जाए कि इनके नीचे के या इनके कार्यकर्ता जो भी हो उन्हों से हिंदुस्तान जो है हमारा चलने वाला, इसके लिए हमारे डेमोक्रेसी को बाकी रखते हुए एक अमन का हिंदुस्तान, वैसे ही लातूर शहर हमारा एक अमन का शहर है, यहाँ पर कभी कोई दंगा नहीं हुआ, और कोशिश यही है हमारी कि जैसा हमारा लातूर एक मिसाल है उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा ये हादसा होने के बाद भी लोग सबर का मुजाहरा कर रहे हैं और हुकूमत से जो है सो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को सज़ा हो जो लोग इसके अंदर दोषी हैं। बस हमारी मांग ये है जिस तरीके से 2014 में बीजेपी सरकार पूरी बहुमत से आ गई, फिर 2019 में भी बहुमत से आ गई, और मोदी जी का ये नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीन बातें उन्होंने कही, लेकिन ये 2014 में भी बहुत सारे मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आ गए। अभी ताज़ा तबरेज अंसारी, एक मेहनत करने वाला नौजवान बच्चा, सिर्फ उसको जय श्री राम ये कहकर बोलकर मारना, उसके ऊपर ज़्यादती करना और जुल्म करना ये मुनासिब नहीं है। मोदी जी की सरकार हरकत में आना चाहिए। अगर एक निहत्ते मुसलमान को बांध कर मारते हैं और अपनी बहादुरी दिखाते हैं तो ये बहादुरी नहीं है, क्योंकि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। मुसलमान इस मुल्क के लिए अपने जानों को कुर्बान कर चुके हैं। उस जमाने की पावरफुल ताकत अंग्रेज, उसको मिट्टी चटाए हैं मुसलमानों ने। ये हुकूमतें हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन हम हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान शांति को चाहते हैं। इसलिए तबरेज अंसारी के साथ जो जुल्म हुआ है तो तबरेज अंसारी को इंसाफ देना, यही हमारी मान्य है। लातूर से हरुण मोमिन की एक रिपोर्ट।